Hello students, I hope you all are doing well at your home. In our last lectures, we studied theoretical part of our chapter, issue of shares. Today we will study the journal entries. अब जब journal entries start कर रहे हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि business में capital का क्या importance है. कैपिटल इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. कोई भी बिजनेस का फॉर्म होने दो, उसमें कैपिटल की नीड होती है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है. हमने जो 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स किए थे वो थे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंट्स. उसमें भी आपने देखा होगा जब सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करता है तो जर्नल में सबसे पहले एंट्री वही पास करता था, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट. क्योंकि बिना बिजनेस कभी भी हमारा, बिना कैपिटल के हमारा बिजनेस कभी भी रन नहीं कर सकता. फिर वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो या पार्टनरशिप फर्म हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो. हमने 11th स्टैंडर्ड में यही भी किया था कि जब सोल ट्रेडर को बीच में अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता था तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था, तभी भी एंट्री यही बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट. अभी हम आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म पे, क्योंकि हमारे 12th स्टैंडर्ड के जितने भी ज्यादातर टॉपिक्स हैं, दे आर रिलेटेड विथ पार्टनरशिप फॉर्म. सपोज एक पार्टनरशिप फॉर्म है जहां पर चार पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया. लेकिन जब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस समय उनको भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. सपोज चारों पार्टनर्स मिलके 20 लाख रुपीस ला रहे हैं, यानी एक एक पार्टनर 5 लाख रुपीस ला रहा है, फर्म में 20 लाख रुपीस आ गए और उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया. यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है. Without capital, we cannot run our business. तो क्या आप समझते हो जब joint stock company start होती है उस समय capital की जरूरत नहीं पड़ती होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. भले हमारा joint stock company हो, तभी भी उसको चलाने के लिए, उसकी assets purchase करने के लिए, expand करने के लिए और बहुत ज्यादा capital की जरूरत पड़ती है. तो भी कैपिटल लाएगा कौन? अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है तो सोल ट्रेडर कैपिटल इन्वेस्ट करता है. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगा तो पैसा कौन लाएगा? जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है तो कंपनी को खुद वो पैसे अरेंज करने होते हैं. कंपनी को क्या है, एक लीगल एंटिटी दी गई है. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, उसको लॉ ने क्रिएट किया है और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो कंपनी कैसे वो पैसा अरेंज करती है, कैसे पैसे जमा करती है? तो कंपनी को जब पैसे जमा करने होते हैं तो कंपनी को जब कैपिटल रेज करना होता है तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है. वही तो हमारा टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स. तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जब अपना कैपिटल रेज करना होगा तो पहले अपने कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगी, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करेगी, ब्रोकर्स अपॉइंट करेगी, न्यूज़पेपर में एड देगी,
फिर जो जो लोग वो एड पढ़ने के बाद अट्रैक्ट होंगे, जो लोग समझेंगे अगर हम इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, वो लोग क्या करेंगे, उस शेयर्स के लिए अप्लाई कर देंगे और कंपनी को इस तरह पैसे मिल जाएंगे। तो अभी हम करेंगे कंपनी किस तरह जो पैसे अरेंज करती है वो कौन सी स्टेजेस में करती है। तो कंपनी जब पैसा अरेंज करती है, जब कंपनी को कैपिटल रेस करना होता है, तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज एक कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीज। मैं तो बहुत कम छोटी फिगर ले रहा हूं क्योंकि हम एग्जांपल्स से कर रहे हैं, स्मॉलर फिगर होगी तो हमें करना इजी होगा। मैं तो सिर्फ 10 लाख का शेयर कैपिटल ले रहा हूं, कंपनी के पास तो 10 लाख या 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, उससे भी ज्यादा शेयर कैपिटल होता है। हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज कोई कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है 10 लाख। अब जो ये शेयर कैपिटल 10 लाख है, तो कंपनी ने क्या किया, इस 10 लाख के छोटे छोटे यूनिट्स कर दिए, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए, और उस हर टुकड़े को हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे। सपोज कंपनी ने उस 10 लाख के जो उसने एक पीस का जो एक जो यूनिट का उसने वैल्यू रखा 10 रुपीज, तो 10 रुपीज क्या हो गया, शेयर हो गया। यानी उसने अपने शेयर की जो वैल्यू रखी है वो रखी है 10 रुपीज, क्योंकि जो शेयर की वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉलर अमाउंट होता है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज या 100 रुपीज। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज कोई कंपनी है जिसने 10 रुपीज के शेयर्स इशू किए हैं और कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो समझो उसका कैपिटल है, जो इशूड कैपिटल है वो है 10 लाख। अगर 10 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे 1 लाख, यानी 10 लाख टोटल शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 10 पर शेयर, तो हमें शेयर टोटल शेयर्स का पता चलेगा, टोटल कंपनी शेयर्स इशू कर रही है 1 लाख। तो 1 लाख कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। अब जो लोग जितना शेयर्स परचेस करेंगे वो उतना उनको क्या मिलेगा, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उनको प्रॉफिट शेयरिंग उसके हिसाब से मिलेगा। सपोज कंपनी ने जो 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, एक है मिस्टर ए जिसने 10,000 शेयर्स परचेस कर लिए, अगर 1 लाख में से उसने 10,000 अकेले ने शेयर्स परचेस कर लिए, यानी उसने 10% परचेस कर लिया जितने शेयर्स थे, तो कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 10% मिस्टर ए को दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, ओनर हो गया, वो शेयर होल्डर हो गया, उसका शेयर में कितना हिस्सा है, 10% है। इस तरह लोग अलग अलग डिनोमिनेशन के अलग अलग मतलब अपने कैपेसिटी के हिसाब से शेयर परचेस करते हैं, कोई 10 शेयर परचेस करेगा, कोई 20 करेगा, कोई 1000 करेगा, कोई 500 शेयर्स परचेस करेगा, जितना जितना शेयर्स परचेस करेंगे उसके हिसाब से वो कंपनी को पेमेंट करते हैं और वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो ये जितना पैसा कंपनी को अरेंज होता है, जितना पैसा कंपनी कलेक्ट करती है, उसमें से फिर वो क्या करती है, कंपनी उसमें से लैंड परचेस करेगी, बिल्डिंग बनवाएगी, उसके बाद मशीनरी परचेस करेगी, रॉ मटेरियल परचेस करेगी और अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। लेकिन जितना जो पैसा होता है कंपनी एट अ टाइम कभी डिमांड नहीं करती है, इसलिए जो शेयर की फेस वैल्यू होती है उसको वो जनरली 4 हिस्सों में, 4 इंस्टॉलमेंट में बांट देती है। जरूरी नहीं कि ऑल द टाइम 4 इंस्टॉलमेंट होंगे, कभी 3 इंस्टॉलमेंट भी हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली कंपनी क्या करती है, अपना जो पैसा जो जमा करना होता है, शेयर्स का पैसा मंगवाना होता है, वो मोस्टली 4 स्टेजेस में मंगवाती है। तो आज हम वही करने जा रहे हैं कि वो 4 स्टेजेस कौन सी है। हमने पहले किया है, जब हम थियोरेटिकल पार्ट कर रहे थे वहां पर हमने किया था 4 स्टेजेस या 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर्स। उसमें सबसे जो पहली स्टेज थी वो थी एप्लीकेशन स्टेज, सेकंड था अलॉटमेंट स्टेज, थर्ड था
शेयर फर्स्ट कॉल स्टेज और फोर्थ था शेयर सेकंड कॉल स्टेज। इस तरीके से कंपनी पैसे मंगवाती है। सपोज उसने फर्स्ट स्टेज यानी एप्लीकेशन मनी उन्होंने रखी है 3 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट के समय ₹2 पर शेयर, फिर फर्स्ट कॉल के समय ₹3 पर शेयर, उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए उन्होंने ₹2 पर शेयर रखी है। अब जो जो लोग जितना शेयर्स परचेज करेंगे उसके हिसाब से वो कंपनी को पेमेंट करेंगे और उसके हिसाब से वो कंपनी को अप्लाई करेंगे शेयर्स का। तो आज हम करेंगे स्टेजेस जहां पर कंपनी किस तरीके से पैसे कलेक्ट करती है। तो नाउ सी द फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन मनी यानी एप्लीकेशन स्टेज। तो एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है, जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को अप्लाई करते हैं, वहां पर कंपनी का जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरते हैं और उसके बाद जो भी जितने वो शेयर्स परचेज करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली वो पेमेंट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मिस्टर ए था जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो एट अ टाइम ₹10 के हिसाब से वो पैसा भरने वाला नहीं है। मिस्टर ए जो है अगर उसने 10,000 शेयर्स का अप्लाई किया है तो उस समय उसको भी ₹10 एट अ टाइम नहीं भरना पड़ेगा। अगर वो अप्लाई करेगा तो कंपनी ने क्या बोला है, एप्लीकेशन मनी आपको ₹3 देनी है। तो उसके हिसाब से जो मिस्टर ए है वो 10,000 का अगर अप्लाई कर रहा है तो 10,000 × 3 यानी वो ₹30,000 कंपनी को पे करेगा। तो जैसे वो 30,000 पे करेगा तो मतलब उसने एप्लीकेशन मनी ₹30,000 भर दी। इस तरह कोई और पर्सन होगा जो भी अप्लाई करेगा, इस तरह जो जो जितना जितना अप्लाई करता जाएगा उसके हिसाब से पर शेयर के ऊपर उसको ₹3 भरने होंगे। ये सब एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, कंपनी के पास, और कंपनी को पैसे जमा हो जाएंगे। कंपनी को ये भी नहीं पता होता है कि मेरे शेयर होल्डर्स कौन से हैं, कितने लोग अप्लाई करेंगे। कंपनी ने हमारे एग्जांपल के हिसाब से कंपनी ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं। अगर 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, हमने एप्लीकेशन मनी रखा है ₹3 यानी कंपनी को, अगर कंपनी का कंपनी के अगर सब शेयर्स बिक जाते हैं तो कंपनी को 1 लाख शेयर्स इंटू ₹3 यानी कंपनी को ₹3 लाख मिल जाएंगे एप्लीकेशन स्टेज में। अब कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कंपनी के पास पैसे आएंगे तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या है, ऑन रिसीप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। कंपनी को पैसे आ रहे हैं और जनरली जब कंपनी में अप्लाई करते हैं तो अभी कैश तो अलाउड नहीं है, जनरली ऑनलाइन पेमेंट होता है या डिमांड ड्राफ्ट जो शेयर होल्डर्स भरते हैं। तो पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, तो पैसे का मतलब कौन सा अकाउंट है, कैश। कैश इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो देखो कंपनी एंट्री क्या पास कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन दिया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स रिसीव्ड यानी कंपनी को ₹3 लाख यहाँ पर मिल गए एप्लीकेशन के समय। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो शेयर कैपिटल, एक्चुअली ये क्या है, शेयर कैपिटल ही है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली एंट्री नहीं पास कर सकते बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे आपने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म में किया था। वहां पर क्या होता था, पहले एंट्री यही होती थी बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कंपनी को दिखाना होता है कि जो पैसे आए हैं वो कौन सी स्टेजेस से हैं, क्योंकि कंपनी 4 अलग अलग स्टेजेस से पैसे मंगवा रही है। एप्लीकेशन के समय पैसे मंगवाएगी, फिर जब शेयर अलॉट करेगी तभी भी पैसों का कॉल करेगी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल। हर स्टेज में कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उससे वो पैसे मांग रही है। तो इसलिए
जो एंट्री होगी हमको स्टेज दिखाना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है इसकी, अभी कंपनी के पास पैसे आए हैं तो एंट्री बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो शेयर, ये जो पैसे आए, एक्चुअली ये क्या है, शेयर कैपिटल है, तो उसको हमें अभी क्या करना होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। तो सेकेंड एंट्री देखिए, ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। अब ये पैसे जो एप्लीकेशन के आए हैं हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं। एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने 11th में एक टॉपिक किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां पर हम टोटल चार कॉलम बनाते थे फाइनल एंट्री करने से पहले, यानी एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने से पहले हम पहले वर्किंग नोट करते थे, वहां पर चार कॉलम बनाते थे। फर्स्ट कॉलम होता था रॉन्ग एंट्री, सेकेंड होता था रिवर्स एंट्री, थर्ड होता था करेक्ट एंट्री, और फोर्थ कॉलम होता था रेक्टिफाइंग एंट्री। तो उस समय आपने देखा होगा रॉन्ग एंट्री में हम रॉन्ग एंट्री करते थे, जब रिवर्स और करेक्ट एंट्री आती थी उसमें हम एंट्री में देखते थे दोनों में से जो कॉमन अकाउंट है वो कौन सा होता था, उसको हम कट करते थे, और वो भी कैसे होता था, एक डेबिट में और क्रेडिट में। सपोज कोई एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश, हमारी रिवर्स एंट्री है, और करेक्ट एंट्री है नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक बैंक कॉमन होता था, हम कट कर देते थे और फाइनल एंट्री हम बनाते थे। इस तरह यहाँ पर भी देखो हमने दो एंट्री की है, फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप फर्स्ट एंट्री में देखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है क्रेडिट में, और सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है डेबिट में। अगर डेबिट और क्रेडिट अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो हमारी जो फाइनल एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा हमारा एप्लीकेशन मनी का है, वो दिखाने के लिए हम एक एंट्री की जगह पर दो एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अल्टीमेटली एंट्री देखोगे, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और शेयर एप्लीकेशन डेबिट आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनल एंट्री यही है, पैसे आए हैं और वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। ये हो गया एप्लीकेशन स्टेज। अभी हम देखेंगे सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इज अलॉटमेंट मनी। इस अलॉटमेंट मनी में देखिए आप फर्स्ट एंट्री क्या है, ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये सेकेंड स्टेज है, वहां पर भी देखो दो एंट्री है, यानी सबसे पहले आपको मैं बताऊं हर स्टेज में हमें दो दो एंट्रीज करनी होगी, क्योंकि हमको फाइनल एंट्री तो एक ही बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमें स्टेजेस दिखाने होंगे, ये पैसे कौन सी स्टेज में आए हैं, इसलिए हर स्टेज में हमें दो दो एंट्रीज करनी होगी। अब सेकेंड स्टेज अलॉटमेंट मनी, ये क्या होता है, अभी जिन 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 लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया था, अब कंपनी की ड्यूटी है कि उन लोगों को वो शेयर्स दे जिन्होंने अप्लाई किया है। अगर कंपनी के पास इतने शेयर हैं कि वो सबको दे पा रही है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, फुल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, उस समय कंपनी क्या करती है, सभी लोगों को शेयर्स देती है। अब कंपनी जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था, कंपनी क्या कर रही है, उनको शेयर्स अलॉट कर रही है। शेयर अलॉट करने से पहले कंपनी उनको एक लेटर भेजेगी कि आपने जिन शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अभी आपको कंपनी वो सब शेयर्स दे रही है, आप क्या करो, अलॉटमेंट मनी भर दो। और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितना था, ₹2 पर शेयर। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से एक पर्सन था जिसने ₹10,000 के लिए अप्लाई किया था, तो उस पर्सन को 10,000 × 2 यानी ₹20,000 भरना होगा। लेकिन अलॉटमेंट स्टेज में एक बात क्या होती है, कंपनी को ये पता चल जाता है कि मेरे शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं,
एप्लीकेशन स्टेज में कंपनी को ये नहीं पता होता कौन कौन से लोग मुझे अप्लाई करेंगे, मेरे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देंगे, लेकिन अभी सेकेंड स्टेज में कंपनी को पता चल गया है जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्हीं लोगों को सिर्फ शेयर्स देने हैं। तो इसलिए कंपनी पहले क्या करती है, ड्यू कर लेती है कि मेरे पास कितना पैसा आएगा, मैं किस किस लोगों से कौन कौन से लोगों से पैसा कलेक्ट करूंगी। तो इसलिए वहां पर जो सेकेंड एंट्री था फर्स्ट स्टेज में, वो क्या एंट्री था, वो था शेयर अलॉट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहां पर वो सेकेंड एंट्री था। लेकिन सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, उसमें क्या होगा, पहले ड्यू होगा। ड्यू क्यों होगा, क्योंकि कंपनी को पता है हमारे शेयर होल्डर्स कौन से हैं। तो पहले कंपनी ड्यू करेगी, कंपनी रेडी रखेगी कि मुझे किन किन लोगों को बोलना है पैसे भरने के लिए। इसलिए पहले यहाँ पर ड्यू का एंट्री होगा। ड्यू का एंट्री होगा मतलब अभी कंपनी यहाँ लेटर्स रेडी कर रही है, ये लेटर्स जाएंगे शेयर होल्डर के पास और उसको डिमांड करेंगे कि आप इतने पैसे भर दो, उसके बाद पैसे आएंगे। इससे पहले को ड्यू का एंट्री हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये कंपनी ने एंट्री पास की और सभी शेयर होल्डर को लेटर भेजे गए कि आपको शेयर्स मिल रहे हैं, आप पैसे भरो। जैसे ही शेयर होल्डर के पास वो लेटर जाएंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, तो शेयर होल्डर्स बाद में पेमेंट करेंगे तो पैसे बाद में आएंगे। तो देखो फोर्थ एंट्री ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अभी जिन जिन के पास लेटर्स गए हैं वो लोग कंपनी में पैसे दे रहे हैं, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। तो एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी जब इसको भी हम कंबाइन करेंगे तो अब थर्ड एंट्री में देखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, फोर्थ एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है। ये डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल एंट्री क्या बचेगा, देखो डेबिट में क्या बच रहा है बैंक अकाउंट और क्रेडिट में क्या बच रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट। फोर्थ एंट्री से डेबिट में बैंक बच रहा है और थर्ड एंट्री में क्रेडिट से बच रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में आपको फाइनल एंट्री नहीं लिखना है, एग्जाम्पल में ऐसे ही दिखाना है जैसे मैं आप दिखाया है यहाँ पर। तो लेकिन मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपको पता चले कि फाइनल एंट्री वही होगी चारों स्टेजेस में, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसे है तो कैपिटल के ना। लेकिन कैपिटल में जो पैसे अलग अलग स्टेजेस में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, स्टेज दिखाने के लिए हम अलग अलग एंट्रीज कर रहे हैं, हर स्टेज का अलग अलग एंट्री हो रहा है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स इशू किए थे और अलॉटमेंट मनी कितना था 2 रुपीज, तो 1,00,000 × 2 यानी 2 लाख रुपीज कंपनी को यहाँ पर जमा हो जाएंगे और कंपनी यही पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। अब मैं और एक इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे घर पे इंटरनेट का कनेक्शन करवाना था, वाईफाई का कनेक्शन करवाना था, तो मैं एक पर्सन के पास गया और उसको बोला भाई मुझे अपने घर पे इंटरनेट का कनेक्शन करवाना है। उस पर्सन ने बोला चलेगा, नो प्रॉब्लम, आपके घर पे कनेक्शन हो जाएगा, आप क्या करो इतना अमाउंट भर दो, सपोज 2,000। तो मैं गया उसके पास गया और उसको मैंने 2,000 रुपीज पे किए। कल वो पर्सन आया और मेरे घर में कनेक्शन करके चले गया, मेरा इंटरनेट चालू हो गया। एक महीना गुजरा तो अभी मैं वहां पर उस पर्सन के पास जिसने मेरा इंटरनेट का कनेक्शन किया था, मैं उसकी दुकान पे नहीं जाऊंगा नेक्स्ट टाइम पूछने कि भाई मुझे कितना पेमेंट करना है। अब क्या हो गया, मैं उसका कस्टमर बन गया। अब एक महीने के बाद सीधा उसका मैसेज आया, उसने बोला सर एक महीना पूरा हो गया है, अभी आप इतना इंटरनेट जो चार्जेस है वो पे करो। तो मैंने क्या किया उसको, सपोज 500, तो मैंने 500 रुपीज उनको पे कर दिया। इस तरह क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो शेयर होल्डर अप्लाई करता है कंपनी को, लेकिन उसके बाद जितनी स्टेजेस होती है
कंपनी उसको फॉलो करती है कि इतना पैसा भरो, इतना पैसा भरो, अलॉटमेंट का आपको इतना पैसा भरना है, स्टेज का इतना पैसा भरना है। इस तरह जैसे मैंने आपको भी इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बताया, तो यहाँ पर भी ऐसे हैं। जब हमने पहले अप्लाई किया था, जब शेयर होल्डर ने अप्लाई किया तो वो खुद जाके एप्लीकेशन फॉर्म उसने भरा, लेकिन अलॉटमेंट के समय अभी कंपनी उसको लेटर भेज रही है, क्योंकि कंपनी को क्या पता चल गया है मेरे शेयर होल्डर्स कितने हैं। अभी आपका ये सेकंड स्टेज हुआ अलॉटमेंट मनी, अभी हम थर्ड स्टेज करते हैं, दैट इज फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी में भी सेम है जैसे अभी आपने अलॉटमेंट मनी का स्टेज किया, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज होगा, वहां पर शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ पर वर्ड आएगा शेयर फर्स्ट कॉल मनी। देखिए फिफ्थ नंबर एंट्री ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू, अभी यहाँ पर पहले एंट्री ड्यू का होगा, बाद में कैश का होगा। मैंने बताया अभी भी कंपनी क्या करेगी, इस समय भी कंपनी शेयर होल्डर को बोलेगी इतना पैसा भरो, और उसके लिए पहले क्या करेगी, वो लिस्ट रेडी करेगी किन किन लोगों से मुझे कितना पैसा लेना है। तो कंपनी ने पहले अपने पास लिस्ट रेडी की है, रेडी करने के बाद उन सभी लोगों के पास, उन्हीं सभी शेयर होल्डर के पास ये लेटर जाएगा, और जब ये लेटर भेजेगी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी तो एंट्री क्या कंपनी पास करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट करेक्शन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यानी कंपनी ने देखा मुझे इतने पैसे आने वाले हैं, इतने पैसे ड्यू होंगे, उसके हिसाब से कंपनी ने एंट्री किया, सभी शेयर होल्डर के पास वो लेटर गया, लेटर जाने के बाद शेयर होल्डर क्या करेंगे, अभी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे मतलब कंपनी को पैसे मिलेंगे। सिक्स नंबर एंट्री ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, कंपनी एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर देखोगे यहाँ पर सेम थर्ड एंट्री से यानी फिफ्थ नंबर एंट्री से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और सिक्स नंबर एंट्री से शेयर सेकंड कॉल अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट है, सिक्स नंबर में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने फर्स्ट कॉल मनी कितना लिया था, 3 रुपीज, तो 3 रुपीज और कंपनी ने शेयर्स कितने अलॉट किए थे, 1 लाख, 1 लाख इंटू 3 यानी कंपनी को इस स्टेज में भी 3 लाख रुपीज आएंगे। तो कंपनी पैसे क्या करेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, तो फाइनल एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज। लेकिन फिर मैं बच्चों आपको बताऊं, हमें दोनों एंट्रीज वहां पर दिखानी है। मैं फाइनल एंट्री क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बता रहा हूँ ये पैसा किसका है, शेयर कैपिटल का है। एक्चुअली आपको ये दोनों एंट्री दिखानी है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं अमाउंट बताता हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, सिक्स नंबर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख, ये आपका थर्ड स्टेज हुआ। Now, fourth and final stage, यानि second and final call money, ये fourth stage है। Fourth stage में भी company को जो पैसों की जरूरत पड़ेगी तो company फिर अपने पास एक list ready करेगी और देखेगी मेरे shareholder कौन कौन से हैं, मुझे किस लोगों से पैसे मंगवाने हैं, उनके सब वो letter ready करके रखेगी। अब ready करने के बाद उनको लेटर भेजा जाएगा तो कंपनी पहले क्या करेगी, इन पैसों को ड्यू करेगी। तो सेवन नंबर एंट्री देखो, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट रखा है वो 2 रुपीज रखा है, तो यहाँ पर कंपनी एंट्री क्या पास करेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख देगी 2 लाख। अब यहाँ पर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्यों लिखा है, इससे पता चलेगा ये हमारा फाइनल कॉल है, इसके बाद कंपनी फिर पैसे इससे ज्यादा पैसे नहीं मंगवाएगी, क्योंकि फाइनल कॉल का मतलब है हमारा लास्ट कॉल है। मैंने बताया था कंपनी कभी 3 इंस्टॉलमेंट में, कभी 4 में, कभी 5 में
अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा सकती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कंपनी ने ये डिसाइड किया है हम 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाएंगे, तो दिस इज द 4th इंस्टॉलमेंट। इसे कंपनी क्लियर लिख रही है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 2 लाख रुपीज, दैट शल बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद 8th नंबर जो एंट्री है, अब कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स को लेटर्स भेज दिए हैं। अब जैसे ही उनके पास लेटर जाएंगे तो कंपनी क्या, शेयरहोल्डर्स क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे और कंपनी को पैसे मिलेंगे। अगर कंपनी को पैसे मिलेंगे तो एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीट, यहाँ पे अमाउंट होगा 2 लाख, जिसे हमने एग्जाम्पल लिया है 4th स्टेज का जो हमने अमाउंट रखा था, वो रखा था ₹2 पर शेयर। इस तरह कंपनी ने, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे, ₹2 इसका फाइनल कॉल था, तो कंपनी को यहाँ पे 2 लाख रुपीज मिल जाएंगे। तो बच्चों देखो ये एंट्रीज है टोटल, हर एक स्टेज में आपको दो दो एंट्री करनी है, लेकिन आपको एग्जाम में ये दोनों मतलब टोटली 8 एंट्री दिखानी है। अगर कंपनी का जो सम 4 इंस्टॉलमेंट का आता है, लेकिन आप ये ध्यान देना आपकी फाइनल एंट्री यही बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आज हमने यही स्टडी किया कि कंपनी किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में पैसे मंगवाती है। अब मैं यहाँ पर एक सम यहाँ पर आएगा, देखो प्रॉब्लम नंबर 1 उसमें क्या लिखा है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल सम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। मैं अभी इसको रीड कर लेता हूँ। गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेएबल एस, मैंने स्टेजेस ली हैं, ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call, ₹2 on second and final call। ये बेसिक सम है इसलिए हमने ऐसे लिखा है, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। तो ये एकदम सिंपल सम है, बेसिक सम है। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो सम है वो अलग अलग थोड़ा डिफिकल्ट टिपिकल आते जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सम को सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहाँ पर लैपटॉप पे हम लेक्चर में आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब मैंने जितना भी करवाया, अभी आप एक फेयर बुक बना दो जहाँ पर ये आप 8 एंट्रीज लिखो। अभी आपके यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आप एक क्योंकि बीके सब्जेक्ट है आपको तो रजिस्टर बनाना ही पड़ेगा। अभी आप फेयर रजिस्टर बनाओ और 8 एंट्री लिख लो, उसको लर्न कर लो। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं जो ये सम है जो मैंने अभी आपको जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो अलग अलग टाइप के सम होंगे आस्ते आस्ते हम करते जाएंगे। ये आपका बेसिक सम है, जितना भी आज हमने किया वो सब नोट डाउन करके रखो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, बी सेफ, टेक केयर।